के प्रभावशाली टीकाकरण के लिए जिले में स्वास्थ्य विभाग ने ईवीआईएन की शुरुआत की है, जिसमें जिला उपायुक्त निशांत यादव ऑनलाइन टीकाकरण के प्रशिक्षण कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस दौरान डीसी ने कोल्ड चेन हैंडल्स का प्रमाण पत्र वितरित किए गए। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो योजनाएं चलाई गई है बहुत ही सराहनीय है, इससे स्कूली बच्चों को टीकाकरण के माध्यम से स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। देखिए एक रिपोर्ट। का लॉन्च हुआ था और जितने भी हमारे कोल्ड स्टोरेज हैंडलर्स हैं, जो मेनली हमारे फार्मासिस्ट हैं या एएनएम्स हैं, जो कि जीएचसी और सीएचसी पे कोल्ड स्टोरेज हैंडल करते हैं, उनको दो दिन का प्रशिक्षण दिया गया कि कैसे इविन इनिशिएटिव पे जो अभी लॉन्च हुआ है उस पर कैसे अपलोड करना है डेटा। और इसका मेन उद्देश्य ये है कि जो भी वैक्सीन की हमारी अवेलेबिलिटी है उसको हम एक बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर सकें। अगर कहीं स्टोरेज में, कोल्ड स्टोरेज में लेट से वैक्सीन की एक्सेस है तो हमारे पास उसकी रिपोर्ट आ जाएगी कि वहाँ पे एक्सेस वैक्सीन है, या कहीं पे शॉर्टेज है तो उसकी भी जानकारी मिल जाएगी। तो एक तो इसका उद्देश्य ये था कि वैक्सीन की मैनेजमेंट बेहतर तरीके से हो पाएगी। दूसरा इसका ये था कि आने वाले समय में, जैसे मुझे बताया गया कि लगभग 1.5-2 महीने में ये प्रोसेस भी वो करेंगे कि जो उनका वैक्सीन का टेम्परेचर है उसको भी डिजिटलाइज करके उसका भी ऑनलाइन पोर्टल पे हमें पता चल जाएगा कि जो वैक्सीन का टेम्परेचर है वो किस लेवल पे कंट्रोल हो रहा है। उसमें अगर किसी तरह की कोई समस्या नजर आएगी तो उसको इमीडिएटली फिर उसका निराकरण किया जा सकेगा, ताकि किसी भी कीमत पे, किसी भी कॉस्ट पे वैक्सीन खराब ना हो, डिस्ट्रॉय ना हो। तो ये मैं कहूँगा कि बड़ा ही सराहनीय कदम है। मैं हमारी पूरे जिले की स्वास्थ्य टीम को इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है सर। एक क्वेश्चन है सर। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।